HDFC लाइफ संचय प्लस, कुछ 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 गड़बड़ है इसमें, एक सेकंड इसको चेंज करते हैं यार एक बार। ओके अब सही लग रहा है। कैलकुलेट प्रीमियम, ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओके अब देखते हैं। यस ये सही है। नमस्कार देवियों एंड सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आपका बहुत बहुत गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। माई नेम इज मनी माइंडेड मनदीप और आज मैं आपको एक और निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप अपने ही मेहनत से कमाए हुए पैसों को खुद ही आग लगा सकते हैं। तो प्लान एक ही है एट द रूट, बट इसके कंपनी ने अलग अलग वर्जन बना रखे हैं और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और आपको हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ये प्लान मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंडोमेंट प्लान। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को डिक्शनरी में जाके चेक करना पड़ता है एंडोमेंट का मतलब क्या है। तो कंपनी ने सोचा कि हमको कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए जिसको सुनते ही लोग बावले हो जाएं। तो नाम रख दिया गारंटीड मैच्योरिटी, फिर गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम, डबल इनकम, मनी बैक प्लान या फिर संचय माइनस, और अश्योर्ड वेल्थ प्लान जिसमें वेल्थ को छोड़ के सब अश्योर्ड है और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ऑन अ सीरियस नोट, आपको पता है दो ही मेन प्रॉब्लम है इंडिया में। एक तो ये प्लान्स बेचने पर 25-25% के कमीशन मिलते हैं एजेंट्स को, तो उनके पास बहुत अच्छा मोटिवेशन है ये बेचने का। दैट डजेंट मीन वो प्लान आपके लिए सही है। और जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, अगर वो भी ये प्लान नहीं बेच पाते हैं और टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनको भी मिसट्रीट किया जाता है, उनके इंसेंटिव रोक लिए जाते हैं। ये तो है एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों की है। किसी के भी कहने पर, स्पेशली अगर उसने गारंटीड इनकम या डबल इनकम बोल दिया, तो आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को कहीं भी लगाने को तैयार हो जाते हैं, विच इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। और ज्यादातर लोग जब ऐसा कर लेते हैं तो वो प्राउड और फील करते हैं ये सोच के कि मैंने मेरी फैमिली के लिए वो सब कर लिया है जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी या औरत को करना चाहिए, जबकि आप बहुत ही उल्टा सोच रहे हो। आपने कुछ भी नहीं किया है अभी अपनी फैमिली के लिए अगर आपने कोई ऐसा प्लान ले लिया तो। और ऐसा मत समझो कि मैं सिर्फ आप लोगों की डांट लगा रहा हूं। डांट तो मैं लगा रहा हूं, बट मैं खुद की फैमिली को भी इंक्लूड कर रहा हूं। मेरे पापा के पास भी 2009 से चली आ रही एक एंडोमेंट पॉलिसी है। उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, 9th क्लास में था, और यूट्यूब पे भी कोई इतना फाइनेंशियल अवेयरनेस थी नहीं जितना आज 2020 में है। तो मैं अपने पापा को ब्लेम नहीं करूंगा, बट मैं उस पॉलिसी के कुछ शॉकिंग ट्रूथ आपके साथ शेयर करूंगा। अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैंने वो बंद कर दी तो 1 लाख रुपए का नुकसान है, और फिर ये भी बताऊंगा कि क्या मैं 1 लाख का नुकसान उठाकर भी इसको बंद करवाना चाहता हूं या अब इसको कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। तो मेरा बायस तो आपको क्लियर है, आई एम 100% अगेंस्ट दीज पॉलिसीज, बट फिर भी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रखूंगा। उसके बाद मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और ये मेरे फ्यूचर का सवाल नहीं, आपके फ्यूचर का सवाल है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले समझते हैं व्हाट इज एंडोमेंट, मनी बैक, गारंटीड इनकम, डबल इनकम, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल द प्लान्स। तो ये सारे के सारे प्लान्स आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो इन प्लान्स में एक लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट आपको जरूर मिलेगा, और साथ में इन्होंने कॉम्बो बना दिया इन्वेस्टमेंट को जोड़कर। अब जैसे कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम होती है, वेरी हार्ड टू से नो टू, वैसे ही इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। ये यूलिप से कैसे डिफरेंट है, मैंने आपको यूलिप के वीडियो में बताया था कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट लिंक्ड है, मतलब वो फंड जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आपके रिटर्न्स बनेंगे। बट यहाँ पे आपको जो मिलने वाला अमाउंट है वो पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि इसमें लिखा है गारंटीड इनकम, डबल इनकम, तो आपको पहले दिन से ये पता होता है कि मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलने वाला है। और साथ में एजेंट डालेगा 2 चेरीज ऑन टॉप। नंबर 1, ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, सर ये गारंटीड इनकम तो है ही है, बट साथ में कंपनी एनुअल बोनस भी डिक्लेयर करती है, तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो इस गारंटीड अमाउंट से एनीवे बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा सर। तो 1 by 1 करके ये सारे पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले कंपोनेंट की। और जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है ऑलरेडी, आपको अपने आप से बस एक सवाल पूछना है कि मैं कल मर गया तो मेरी फैमिली को कितना पैसा चाहिए, वेरी ब्लंटली। और इसका आंसर है आप जितना एक साल में कमाते हो आफ्टर टैक्स, यानी आपके जो हाथ में पैसा आता है एक साल में, उसका मिनिमम 10 टाइम्स,
मतलब आप अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपके पास 1 करोड़ का लाइफ कवर होना चाहिए। मैक्सिमम आप जा सकते हो 25 गुना यानी 2.5 करोड़ तक, डिपेंडिंग ऑन कितना प्रीमियम आप अफोर्ड कर सकते हो। बट हर इंसान जो 10 लाख कमाता है उसको मिनिमम 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि अगर कल को उसकी डेथ हो जाए तो फैमिली सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकती है आने वाले 10 सालों तक। बच्चे आराम से स्कूल जाते रहेंगे, घर का खर्चा आराम से चलता रहेगा। अब मैं आपको जरा ये दिखाता हूँ कि इन एंडोमेंट प्लान्स और मनी बैक प्लान्स में कितना लाइफ कवर आपको मिल रहा है और उसके बदले कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको। तो मैंने खोला है HDFC लाइफ का संचय प्लस प्लान, जो कि काफी फेमस है, और मुझे फ्रेंकली ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम तो 30,000 रुपए है, बट मैं टाइप कर देता हूँ चलो 50,000 रुपए, थोड़ा सा लगना चाहिए यार, अमीरी वाली फील आनी चाहिए। व्यू बेनिफिट्स पे जाएंगे तो ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं 1 साल में 50,000 रुपए का प्रीमियम दूंगा तो मेरा जो सम अश्योर्ड है वो 6.5 लाख रुपए है। सर ये लाइफ कवर नहीं है, ये बहुत बड़ा एहसान है जो ये कंपनी मुझ पर कर रही है। क्या कीजिएगा आप इतनी धनराशि का? तो पॉइंट नंबर 1, अगर मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए तो दिस इज नोवेयर क्लोज टू दैट अमाउंट। पॉइंट नंबर 2, ये बहुत एक्सपेंसिव इंश्योरेंस है, क्योंकि अगर आप 25 साल के हो और आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए टर्म प्लान में, तो आपको एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा मात्र 10,000 से 12,000 रुपए, और ये उसका 5 गुना प्रीमियम है। और यहाँ पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, ये कह रहे हैं कि अगर मैं 44 की एज में मर जाऊंगा तो मुझे 12.5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर मैं जल्दी मरा तो मुझे 6.5 लाख रुपए मिलेंगे, एज इफ कि मैं डिसाइड करके मरूंगा मेरे को कौन सी एज में मरना है। और ये एज के साथ जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ रहा है वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपका लाइफ कवर ये बढ़ा रहे हैं, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये कॉम्बो प्लान है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी है, तो जितना लेट डेथ होगी उस हिसाब से जो अमाउंट बनेगा वो मिलेगा डेथ पे। ये मेरे पापा का मैक्स लाइफ का एंडोमेंट प्लान है, इसका एनुअल प्रीमियम है 20,000 रुपए, और इसमें लाइफ कवर मिल रहा है मात्र 2,14,000 रुपए। लाइफ कवर नहीं, एहसान है। अब आप सोच रहे हो कि इन प्लान्स में लाइफ इंश्योरेंस इतना महंगा क्यों है? इसका जवाब सिर्फ 1 वर्ड में दे सकता हूं मैं, ग्रीड, लालच, कंपनीज का लालच। क्योंकि IRDA के रेगुलेशन के हिसाब से आप एनुअल प्रीमियम का मिनिमम 10 टाइम्स कवर तो दोगे ही दोगे हर कस्टमर को, तो आपसे अगर कंपनी 20,000 चार्ज कर रही है तो 2-3 लाख रुपए का कवर दे देगी, बट मैक्सिमम अभी भी उनके हाथ में है और वो इतना पैसा लेने के बाद भी आपको ढंग का लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं देते हैं। तो इंश्योरेंस कॉम्पोनेंट का कंक्लूजन मैं सिर्फ 1 वर्ड में बोल सकता हूं। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले कंपोनेंट की, और उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा मैक्स लाइफ गारंटीड इनकम प्लान, HDFC का भी दिखाऊंगा, बट पहले ये समझते हैं। और यहां पर इन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखा है एक, कि अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरेगा 12 सालों तक तो उसको 13वें साल से 1,31,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको 18वें साल से 2,62,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसका जस्ट डबल। और उसको लास्ट ईयर जो कि 22nd ईयर होगा उसमें उसको ना सिर्फ 2,62,000 मिलेंगे बल्कि 2 लाख रुपए एडिशनल भी मिलेंगे। तो आपने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आपको जो रिटर्न मिल रहा है मेच्योरिटी तक वो 21,70,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये अमाउंट फिक्स है, इंसान को पहले से पता है कि 13th ईयर में कितना मिलेगा, 17th ईयर में कितना मिलेगा, और दूसरा ये कि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो लोगों को पता नहीं बहुत खुशी हो जाती है ये जान के कि वाह पैसा डबल हो गया। और जो आपको सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, वो है रेट ऑफ रिटर्न। आपका पैसा आप कहीं भी डाल रहे हो तो वो कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको बोलते हैं IRR। और IRR निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा एक्सेल में। मैंने यहाँ पर 1 से 12 साल तक -1 लाख लिखा है। -1 लाख क्यों लिखा है? क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा है हर साल, और 13th ईयर में मैंने +1,31,000 लिखा है, और उसके बाद 18th ईयर ऑनवर्ड्स मैंने 2,62,000 लिखा है, एंड लास्ट ईयर जो 22nd ईयर है उसमें 2,62,000 +2 लाख जैसा प्लान में बताया वैसा लिख दिया। अब आपको लगाना है एक फॉर्मूला, फॉर्मूला में लिखोगे आप इक्वल्स टू IRR और पहला सेल और आखिरी सेल डालोगे, पहला सेल है D2 और आखिरी सेल है D23, और जैसे ही आप ये फॉर्मूला एंटर करोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी सडनली, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा इस प्लान में मात्र 5% से ग्रो होगा। तो यार FD बुरी थी क्या? उसमें लॉक इन नहीं होता। इस प्लान में अगर आप बीच में कुछ बंद करवाओगे तो मैं सरेंडर वैल्यू का सच आपको बताऊंगा। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे मजाक हो रहा है। चलो एक दूसरा प्लान दिखाता हूँ, HDFC का संचय माइनस। संचय माइनस में वैसे 4 ऑप्शन है, गारंटीड मेच्योरिटी, गारंटीड इनकम, लाइफ लॉन्ग इनकम। आप चाहो तो किसी का भी IRR निकाल के देख सकते हो, आई एम श्योर आप इतना तो सीख गए हो। मैं आपको एक प्लान का बताता हूँ, गारंटीड मेच्योरिटी। उस प्लान में आप पहले 10 साल तक प्रीमियम पे करोगे 1 लाख रुपीज। तो मैंने पहले 10 साल तक लिखा है -1 लाख क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा है। उसके बाद 11वें साल से लेकर 19वें साल तक मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, और 20वें साल में मुझे 22,72,000 रुपए मिलेंगे तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। अब मैंने फिर से IRR का फॉर्मूला लगाया और पता चलता है कि ये पैसा मात्र 6% से ग्रो हुआ है। अब मैं आपको मैक्स लाइफ का अश्योर्ड वेल्थ प्लान बताता हूँ।
अश्योर्ड वेल्थ प्लान में अगर आप पहले 5 साल तक 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम दोगे तो आपको 10वें साल में 7,51,000 रुपए मिलेंगे। ये पैसा भी 6% से ग्रो हुआ है और कुछ प्लान तो ऐसे हैं जो 4.8-4.9% से भी ग्रो होते हैं। एंड बाय द वे मैक्स लाइफ की इस प्लान का नाम है अश्योर्ड वेल्थ प्लान, मतलब वेल्थ का इन्होंने मीनिंग ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, 7.5 लाख को वेल्थ बोल दिया इस लॉजिक के हिसाब से। नमस्कार देवियों एंड सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आपका बहुत बहुत अब समझ आया ना, तो ये बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्लान है ना ही ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब कुछ लोग बोलेंगे मंदीप तू भी बेवकूफ है यार, ये इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री भी तो है, ATC में डिडक्शन मिल जाएगा और इसके जो रिटर्न्स है वो भी तो टैक्स फ्री हैं। तो पहली बात तो अगर आप चिंदी रिटर्न कमाओगे उस पर भी टैक्स देना पड़ जाए तो फिर यार प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना। और दूसरी बात, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को हम डेट कैटेगरी में कंसिडर करते हैं और डेट इन्वेस्टमेंट्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है अगर 3 साल से ऊपर होल्ड कर लिया तो, आपको इस वाले वीडियो में ढंग से समझाया भी है। और अगर आपका पैसा इतना पथेटिक रेट से ग्रो हुआ है कि वो बेचारा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगाते ही आपका टैक्स पेबल बनता है 0। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पर आपका रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा वहां पे आप एनीवे टैक्स नहीं दोगे। और रही बात सेक्शन 80C की, तो मैंने आपको इस वाले वीडियो में सारी इन्वेस्टमेंट बताई जिसको यूज करके आप सेक्शन 80C का फायदा ले सकते हो। इसकी क्या जरूरत है, इसमें आप सरेंडर और लॉक इन पता है आपको कितना है? चलो मैं मेरे पापा की पॉलिसी बताता हूं। तो इसका एनुअल प्रीमियम आता है 20,000 रुपए और ये हम पे कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, मतलब 2 लाख रुपए प्रीमियम पे कर चुके हैं। और इसको अगर मैं आज बंद करवाता हूं, इसको आज मैं सरेंडर करवाऊंगा तो मुझे सिर्फ 85,000 रुपीज मिलेंगे, यानी मेरा 1,15,000 रुपए का लॉस हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मैच्योरिटी तक वेट नहीं किया और मुझे मेरे ही पैसे का आधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी भी कुछ कसर बाकी रह गई है और कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इस पॉलिसी में बोनस भी तो मिलते हैं। बोनस का मैं आपको काला सच बताता हूं, काला। आपने ले ली 20 साल की पॉलिसी, आपको मान लो 10वें साल में एक बोनस डिक्लेयर हुआ, वो बोनस आप चाहकर भी टच थोड़ी कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट में कोई नहीं भेज रहा उस बोनस को, वो बोनस आपके पॉलिसी में ही पड़ा रहेगा और वो मिलेगा आपको सीधा 10 साल बाद मैच्योरिटी पे। तो आपको अगर 5-7 हज़ार रुपए का एक बोनस डिक्लेयर हो भी गया है वो आप अगले 10 सालों तक टच नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे हो चलो ठीक है यार 10 सालों तक टच नहीं कर सकते, ये पैसा कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा या इस पे भी रिटर्न मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। आपको 5,000 का बोनस अगर 10वें साल में डिक्लेयर हुआ है तो वो आपको 20वें साल में मिलेगा, तब भी वो 5,000 रुपए ही मिलेगा, तो वो कितना कम हो चुका होगा इन्फ्लेशन की वजह से ये भी सोचो। तो आप वेल्थ कमा नहीं रहे हो, आप वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपनी ऑन पर्पस। और ऐसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने के बाद लोगों को गर्व और फील होता है, उनको गर्व इसलिए फील होता है क्योंकि एक तो अपनी फैमिली के लिए उन्होंने लाइफ कवर ले लिया और साथ में उनको लगता है कि वो इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर दिया और उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबल जैसा फील आता है। ये जो थॉट है ये आपके माइंड में प्लांट किया जा रहा है ऐसी फोटोज दिखाकर जहां पर एक आदमी है बड़ा खुश है अपनी वाइफ और डॉटर के साथ और ऐसा बताया जा रहा है आपको कि ऐसे लोगों ने ये पॉलिसी ली है इसीलिए ये जीवन भर खुश रहेंगे। क्या कर रहे हो आप अगर आप ऐसा बिलीव करते हो तो, और YouTube पे जब फ्री की एजुकेशन अवेलेबल है तो यू वॉन्ट हैव एनीवन एल्स टू ब्लेम बट योरसेल्फ अगर फ्यूचर में आपको ये रियलाइज होता है कि यार अपन ने कुछ नहीं किया अपनी फैमिली के लिए। मैं आपको एग्जैक्ट लॉस बताता हूँ अगर आपको पॉलिसी लेने के 10 साल बाद ये रियलाइज होता है कि हमने गलती कर दी है। 1 लाख रुपए आप ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करने को तैयार थे तो मतलब महीने का 8,500 रुपए कुछ आप इन्वेस्ट करने को तैयार है। चलो 8,000 पकड़ते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए का, रेट ऑफ रिटर्न 12% किसी अच्छे म्यूचुअल फंड से मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप डिसएग्री करते हैं 12% से तो 11 कर लो, 10 कर लो, आपका जो मन में आया आप वैसे कैलकुलेट करके देखना। मैं 10 साल का SIP कर रहा हूं, 10 साल में आप 9.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करोगे और आपको 18.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, मतलब 10 साल में आपने अपना पैसा डबल कर लिया। वही डबल पैसा आपको इन प्लान्स में 20 साल में मिल रहा है। तो आप अगर ऐसे प्लान्स में 10 साल के लिए भी इन्वेस्टेड हो तो आपका 18.5 लाख का नुकसान तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी 18.5 लाख को यहीं पड़े रहने दूंगा और इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बट अगले और 20 साल तक इसको पड़े रहने दूंगा। तो आपका कॉर्पस बन जाएगा ऑलमोस्ट 1,80,00,000 रुपए। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन था 30 साल तक, बट उसके शुरुआत के 10 साल में ही आपने इन्वेस्ट किया, 20 साल तो आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया, तो भी 1,80,00,000 रुपए बन जाएगा। और अगर आपने किसी एंडोमेंट प्लान में 10 साल तक इन्वेस्ट कर दिया और तब आपको रियलाइज हो रहा है कि यार गलत कर दिया है, तो अब सर आप चाहकर भी इतने बड़े अमाउंट पे नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ इयर्स कम है और आप जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ रहता है। आपने अगर 10 साल खो दिए मतलब आपने करोड़ों खो दिए, क्योंकि टाइम इज मनी। तो क्योंकि टाइम इज मनी इसीलिए मैं पापा की एंडोमेंट पॉलिसी बंद करवा रहा हूं, भले ही उसमें 1,15,000 का नुकसान है मैं फिर भी बंद करवा रहा हूं। बताओ क्यों?
क्योंकि अगर 10 साल तक मैं पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी खो चुका हूं तो मैं आने वाले 10-15 साल और नहीं खोना चाहता। वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। 10-15 साल फ्यूचर के अभी भी मेरे हाथ में है। और ये बंद करवाने के बाद मैं पापा के लिए कोई और लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं लूंगा, मैं टर्म इंश्योरेंस भी नहीं लूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ उस इंसान को चाहिए होता है जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंस है, जब वो किसी का पेट पाल रहा है। बट मैं मेरे पेरेंट्स का इकलौता बच्चा हूँ और कमाने लग चुका हूँ, मतलब कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, तो मेरे पेरेंट्स को टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। और जो प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस में देते उसको भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा रुको और सोचो कि आपको चाहिए क्या। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और आपको एक लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, तो दुनिया का बेस्ट इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस, उसके अलावा आपको कहीं नहीं देखना चाहिए। और दूसरा जो नुकसान है वो आपकी एज में है। अब आप 10 साल ओल्ड हो चुके हो, अब आप कोई टर्म प्लान लेने जाओगे तो आपको महंगा मिलेगा। सो द फाइनल क्वेश्चन अराइव्स, व्हाट शुड यू डू? अगर आप ये वाले प्लान्स नहीं लेते हैं तो करना क्या चाहिए, उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। तो नंबर वन प्रायोरिटी आपकी एज अ फैमिली मेंबर होनी चाहिए फैमिली की सिक्योरिटी। अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलना चाहिए, तो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना, क्योंकि उससे सस्ता और कोई लाइफ इंश्योरेंस आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। 1-1.5 करोड़ का इंश्योरेंस आप 10-15 हजार रुपए के एनुअल प्रीमियम में ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सॉर्टेड। उसके बाद चाहिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि बीमारी बताकर नहीं आएगी। और वैसे भी आजकल हम कुछ ज्यादा ही पिज्जे खा रहे हैं, और ऐसे में जब हॉस्पिटल्स के बिल लाखों रुपए में आ रहे हैं तो आपको उस टाइम पर भी फाइनेंशियल हेल्प जरूर चाहिए। ये लेने के बाद प्रायोरिटी होनी चाहिए एक इमरजेंसी फंड। कल को नौकरी चली जाए तो आप खर्चे कैसे करोगे घर के, तो आपको एक अलग फंड बनाना चाहिए जिसमें आपकी 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा हमेशा वहां पड़ा होना चाहिए। उस पैसे को आप इन्वेस्ट मत करो, बस अपने पास रखो, चाहे तो उसकी FD करवा दो या लिक्विड फंड में डाल दो। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग, उसके लिए भले ही किसी प्रोफेशनल को पैसा देके प्लान बनवाना पड़े, प्लीज बनवाओ, बट हमेशा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग करो। मतलब कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ डेट में, कुछ NPS में, जो आपकी गोल्स और नीड्स को फुलफिल करेगा वैसे, बट हमेशा कुछ पैसा स्टॉक्स में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने ना पिछले वीडियो में डिसएग्री किया था कि आप 12% रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि 12 से कम भी आ सकता है, 12 से ज्यादा भी आ सकता है। आपके पास 0% चांस है 20% रिटर्न कमाने का अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। और आपने अगर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट किया है तो कल को 12 की जगह 7-8% भी आएगा तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका पूरा पैसा थोड़ी लगा था वहां पर, आपने बहुत अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसीलिए आपका कुछ पैसा डेफिनेटली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2 डिस्काउंट ब्रोकर्स का लिंक दे रहा हूं, एक तो है जीरोधा, दूसरा है अपस्टॉक्स। दोनों ही इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स हैं मेरे ओपिनियन में, और मैं दोनों ही यूज करता हूं। इनफैक्ट अगर आप शेयर्स खरीद के रख दोगे तो आपको 0% ब्रोकरेज पे करनी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उस लिंक से आप खुलवाओगे तो हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे, जिसका कमीशन बाय द वे आपकी जेब से नहीं आता है। तो 24 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाएगा, पूरा पेपरलेस प्रोसेस है। खुलते ही आपको एक काम करना है, अपनी जो भी थोड़ी बहुत रिसर्च है उसको यूज करके 1-2 शेयर्स खरीदो, 100-500 हजार रुपए लगा दो उसमें। उसके बाद आपको डेफिनेटली मोटिवेशन आएगा स्टॉक मार्केट को और म्यूचुअल फंड्स को और डिटेल में समझने का, और YouTube पे फ्री का ज्ञान अवेलेबल है, प्लीज यूज दैट। तो वीडियो तो वैसे यहाँ पूरा हो गया है, अब आप जा सकते हैं, बट मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और अगर आप रुक के सुनोगे तो आई वुड अप्रिशिएट इट। आपके पास कोई एजेंट आता है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई खास दोस्त होता है या फिर आपका कोई रिलेटिव होता है, और वो आपको ऐसा प्लान बेचकर जाता है। अब ऐसे में आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट हो जाता है, होना भी चाहिए, वो आपका बहुत खास दोस्त है या रिश्तेदार है। बट सर आपको ये भी समझना चाहिए कि वो उसकी रोजी रोटी है, वो तो प्लान बेचेगा ही, और ऑफन टाइम्स ऐसा भी नहीं है कि वो आपको चूना लगाने ही आया है। सैड रियलिटी ये है कि इस देश में इंश्योरेंस एजेंट बनना चुटकियों का खेल है, 1 घंटे का एग्जाम होता है, आप बिना तैयारी करे जाओ पास हो जाओगे और यू आर एजेंट नाउ। फिर जब इन फ्रेशर्स की ट्रेनिंग चल रही होती है तो इनको ट्रेनिंग में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि तुम टर्म प्लान नहीं बेचोगे क्योंकि उसमें कमीशन बहुत कम है। उल्टा उनको झूठ बोले जाते हैं कि टर्म प्लान तो कस्टमर के लिए होते ही बेकार है, तुम एंडोमेंट बेचो, यूलिप बेचो, मनी बैग बेचो, उसमें तुम्हारा भी कमीशन अच्छा है और कस्टमर के लिए भी अच्छा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है एक इंश्योरेंस एजेंट का, जिसने कॉमेंट करके हमें पुराने वीडियो में ये बताया था। उस बंदे ने 4 महीने में अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। मतलब 99% ऑफ द टाइम अगर आपका रिश्तेदार भी एज एन एजेंट आपके पास ये प्लान लेकर आता है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चूना लगा रहा है, उस बेचारे को खुद भी नहीं पता है कि इस प्लान की असलियत ये है, और वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए भी ऐसे ऐसे प्लान्स ही लेता है। तो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई कुछ बोल दे, इंक्लूडिंग मी एंड ऑल यूट्यूबर्स, हम लोग भी आपको कभी भी कुछ भी बोल देना,
आप ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, आप जाके 100 जगह वेरीफाई करो, रिटर्न्स कैलकुलेट करना सीखो, फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने लगो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग रिसर्च नहीं करते, यू डोंट आस्क गुड क्वेश्चंस। तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन उन लोगों से भी जिन लोगों पे आप विश्वास करते हो। इसीलिए जब कमेंट्स में लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। इनफैक्ट उनके कमेंट्स को वीडियोस में भी इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि LLA ऐसा चैनल बने जिसकी बात सुन के लोग अंधा विश्वास करें। अंधा विश्वास कभी भी किसी के लिए भला नहीं करता है। आप जानकारी लो बट अपनी खुद की रिसर्च भी करो, बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है। तो इसी के साथ मैं निकलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है, 8 बजने वाले हैं, कर्फ्यू का टाइम हो रहा है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर इंस्टाग्राम पे नहीं आए हो तो फटाफट आ जाओ यार, थोड़ी बहुत भसड़ उधर भी चलती रहती है। बाय।